अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं हूं अनिल राजवर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग क्या नहीं करते। कई बार कुछ लोग तेज रफ्तार से कार चलाते हैं तो कुछ लोग चलती कार पे बैठकर स्टंटबाजी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो रील बनाने के चक्कर में कार को ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाने लगा और वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल ये वायरल वीडियो यूपी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां एक कार चालक ने रील बनाने के लिए आधी रात को प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ाने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पीछे एक ट्रेन भी खड़ी है, कुछ यात्री ट्रेन का इंतजार में सो रहे हैं तो कुछ बैठे हैं, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरी घटना ने जीआरपी और आरपीएफ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्लेटफॉर्म पर कार चलाकर उसकी रील वीडियो बनाकर परमजीत सिंह करदम नाम के फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड किया गया था। इस पूरे मामले में आगरा मंडल अधिकारी ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा व्यवस्था पर यात्रियों की एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। किस तरीके का ये कार्रवाई? सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। ये 8 मार्च की घटना है, रात को 11:30 बजे की, और रेल प्रशासन इस पे बहुत सख्ती से कार्यवाही कर रहा है। सुबह संज्ञान में आने के बाद तुरंत इसमें इंक्वायरी करके, और श्री सुनील कुमार नाम के व्यक्ति जो जगदीशपुरा आगरा के निवासी हैं, उनके खिलाफ धारा 159 और 147 रेलवे एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है, और जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन इमीडिएट इफेक्ट से किया जा रहा है। आरपीएफ का बिल्कुल बगल में ही है थाना, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल, यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से एक लैप्स है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसीलिए इस पे तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं। और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसका करेक्टिव एक्शन लेने के लिए हम उस एरिया में बैरिकेड्स भी लगा रहे हैं, ताकि गलती से भी कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर कभी घुस नहीं।